हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टाइम्स रिवीजन। मैं चंद्रकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जानेंगे आज वर्णमाला के बारे में। हमने दोस्तों पिछली क्लास में बताया था वर्णमाला के बारे में, आखिर ध्वनि किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों आप जानते हो कि वर्णमाला का निर्माण तीन प्रकार से होता है, नंबर एक स्वर, नंबर सेकंड व्यंजन, नंबर थर्ड अयोगवास है। तो दोस्तों आज जानेंगे हम स्वर के बारे में। तो दोस्तों स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। जैसे दोस्तों जैसे अ, आ क्या दोस्तों एक स्वतंत्र है, अर्थात इसे बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। जैसे दोस्तों ई, ये क्या दोस्तों स्वतंत्र है। तो स्वर की परिभाषा होगी कि वे ध्वनियाँ जिन्हें बोलते समय दूसरे अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें कहते हैं स्वर। और दोस्तों बात करते हैं व्यंजन के बारे में, कि वे वर्ण या वे ध्वनियाँ जिन्हें बोलते समय दूसरे व्यंजन की आवश्यकता लेनी पड़े। जैसे दोस्तों हम बोल रहे हैं क, तो का में क्या है दोस्तों, जो का में सम्मिलित हुआ है उसमें क प्लस आ है, क प्लस अ। तो इसमें क्या है दोस्तों, का में किसका निर्माण, किस क्या जुड़ा हुआ है, अ। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि वे ध्वनियाँ जिन्हें बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें कहते हैं व्यंजन। और दोस्तों अयोग्यवा, अयोग्यवा दोस्तों उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण ना तो स्वर के मध्य से हो और ना ही व्यंजन के मध्य से हो, उसे कहते हैं अयोग्यवा। वो दो होते हैं दोस्तों, नंबर एक विसर्ग, नंबर सेकंड अनुस्वर। तो दोस्तों जानेंगे स्वर के बारे में। तो दोस्तों जानेंगे स्वरों को विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आकर स्वरों का उच्चारण स्थान होता कहाँ से है। जैसे अ अ इ ई उ, दोस्तों एक स्वर रह गए उ, उ और रे। तो दोस्तों आखिर देखेंगे इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं अ से। जैसे दोस्तों देखा जाए आखिर इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, जैसे अ आ अ आ, देख जैसे दोस्तों देखा जाए तो अ आ अ आ। तो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है दोस्तों, कंठ से। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, तो कंठ से। अगर ऐसे दोस्तों इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए इ ई ई ई, तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, जैसे दोस्तों हम बोल रहे हैं इ ई। तो जो दोस्तों तालू है, इस पर जो हमारे जीव के ऊपर की छत है, अच्छा जीव के ऊपर ही छत है, उसे बोलते हैं दोस्तों तालू। तो वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, तो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालू से। दोस्तों इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालू से। और इसका दोस्तों कंठ से। और दोस्तों ओ ओ ओ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, इन स्वरों को बोलते समय हमारे जो होठ हैं वो बिल्ली की तरह हो रहे हैं, बिल्ली के होठों की तरह गोल गोल हो रहे हैं। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, ओष्ठ से, ओष्ठ। और रेर, ये दोस्तों रेर, रेर या री भी बोलते हैं दोस्तों से, री दोस्तों रेर। रेर जो हमारा मूर्धन्य स्वर है, कौन सा है, मूर्धन्य, मूर्धन्य दोस्तों इसे रिर या री भी बोलते हैं, रिर या री। इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों मूर्धन्य से होता है। मूर्धा दोस्तों जो मसूड़ के पास में जो साइड से साइड है हमारी, जो मसूड़ के पास में उस साइड है, उसे बोलते हैं मूर्धा। तो दोस्तों और ए और आई का उच्चारण स्थान पूछा जाए दोस्तों, जैसे ए अगर पूछ लेता है दोस्तों ये ए है जो किस किस से मिलकर बना है, तो दोस्तों जैसे अ अ प्लस ई, अगर इसे दोस्तों इकट्ठा बोला जाए आई आई, तो क्या बनना है दोस्तों, इससे आई ए बनना है दोस्तों, क्या बन रहा है ए। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है जो ए का उच्चारण वो निर्माण हुआ है किन 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 दो वर्णों से हुआ है, तो अ और ई से हुआ है। तो दोस्तों आ हमारा क्या है दोस्तों, आ हमारा कंठ, कंठ स्वर, प्लस ई क्या है दोस्तों, अभी बताया था मैंने ई तालू, तालू पे प्रेशर पड़ता है, तो तालू। तो दोस्तों तो जो ए का उच्चारण स्थान देखा जाए, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोस्तों किसका निर्माण होता है, कंठ और तालब, कंठ और तालब। तो दोस्तों अगर ए पूछा जाए किससे, किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो अ और ई से बना है। और इसका उच्चारण स्थान किसका होता है, ए का, कंठ और तालब से। ऐसे दोस्तों ओ और आओ, ओ आओ, तो दोस्तों ओ, ओ देखा जाए दोस्तों ओ, जैसे अ प्लस ऊ,
दोस्तों ये क्या है हमारा कंठ प्लस, और ऊ क्या है दोस्तों हमारा ओष्ठ। अगर दोस्तों इन्हें को पढ़ा जाए, अगर दोनों इन दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाए तो ओ औ औ, तो दोस्त किसका निर्माण होता है ओ का। तो दोस्तों ये कौन सा हमारा कौन सा स्वर बन गया, अर्थात इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है कंठोष्ठ से, किससे होता है कंठोष्ठ से, किससे होता है दोस्तों कंठोष्ठ से। और दोस्तों अंग और आह, ये दोस्तों अंग ये होता है, ये होता है दोस्तों अनुस्वर, ये होता है दोस्तों अनुस्वर। अनुस्वर दोस्तों इसका निर्माण होता है केवल नाक से होता है, इसका निर्माण किससे होता है केवल नाक से। जैसे दोस्तों जैसे हम लिखना चाहें किसी का नाम लिखना चाहें अंकुर, दोस्तों हम किसी का नाम लिखें अंकुर, तो अनुस्वर का यूज केवल नाक के द्वारा होता है, इसका अर्थात इसका उच्चारण स्थान केवल नाक के द्वारा। और ये दोस्तों अह, ये दोस्तों विसर्ग होता है, ये दोस्तों क्या होता है विसर्ग, ये होता है दोस्तों विसर्ग। जैसे दोस्तों जैसे हम प्रातः लिखते हैं प्रातः, तो उसमें इसका यूज किया जाता है विसर्ग का, तो उसे दोस्तों इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं, दोस्तों इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। दोस्तों अयोग्यवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण ना तो स्वर के मध्य से होता है और ना ही व्यंजन के मध्य से होता है, इसलिए दोस्तों इन्हें कहते हैं अयोग्यवाह। तो दोस्तों हम जानेंगे आगे स्वरों का वर्गीकरण क्या, आखिर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं। तो दोस्तों हम स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, तो दोस्तों बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं, नंबर फर्स्ट हर्ष स्वर, कौन से दोस्तों हर्ष स्वर, जी दोस्तों कौन कौन से होते हैं अ ई उ और दोस्तों रिर। हर्ष स्वर दोस्तों वे स्वर कहलाते हैं जिन्हें बोलने में बहुत कम नामात्रक का समय लगे, अर्थात ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय बहुत कम समय लगे। दोस्तों ने एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, दोस्तों ने एकमात्रिक स्वर कहते हैं, एकमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ही मात्रा के स्वर हैं, अर्थात ये किसी दूसरे से मिलकर नहीं बने, केवल एक ही मात्रा है। नंबर सेकंड दीर्घ स्वर, दोस्तों दीर्घ स्वर वह कहलाते हैं जिनको बोलते समय हर्ष स्वर से दुगना टाइम लगे, जैसे आ ई उ ए आई ओ और आओ। दोस्तों इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि दोस्तों जो आ का निर्माण हुआ है वो अ प्लस आ से हुआ है, इसलिए इसे इन दोस्तों दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नंबर और दोस्तों जो दीर्घ स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक मूल स्वर और नंबर इसमें सेकंड होता है संयुक्त स्वर। जैसे दोस्तों मूल स्वर में हो गए अ ई उ, मूल स्वर या दीर्घ स्वर भी कहते हैं दोस्तों ने, मूल स्वर या दीर्घ स्वर। और दूसरा संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों ए आई ओ राव और आओ। तो दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार होते हैं, नंबर एक हर्ष स्वर अ ई उ रिर अर्थात एकमात्र स्वर कहते हैं, नंबर सेकंड दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें दोस्तों हर्ष स्वर से दुगना टाइम लगे। और इनमें भी दोस्तों देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक मूल स्वर या दीर्घ संधि स्वर और नंबर सेकंड दीर्घ संयुक्त स्वर। मूल स्वर होते हैं अ ई उ और संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों ए आई ओ और आओ।
और नंबर थर्ड रहेगा दोस्तों हमारा पलत स्वर वह स्वर दोस्तों जो ना हर्ष व दीर्घ स्वर से अधिक टाइम लगे। जैसे दोस्तों जैसे हम किसी का नाम पुकारते हैं जैसे अर्थात दोस्तों किसी वर्ण को जब लंबा खींचा जाए जैसे राम राम, जैसे दोस्तों ओम, जैसे दोस्तों सुनो। दोस्तों आखिर इनमें क्या कर रहा है, अर्थात जब किसी वर्ण को ज़्यादातर लंबा खींचा जाए तो कौन से स्वर कहलाते हैं, पलत स्वर। कौन से कहलाते हैं, पलत स्वर। तो दोस्तों आगे जानते हैं नंबर सेकंड, जिभ्या के आधार पर स्वरों के भेद। तो दोस्तों जिभ्या के आधार पर स्वरों के भेद देखे जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के। नंबर फर्स्ट अग्रस्वर, नंबर सेकंड मध्यस्वर और नंबर थर्ड पश्चस्वर। तो दोस्तों अगर जिभ्या के आधार पर स्वर पूछे जाएं तो जिभ्या के आधार पर दोस्तों स्वर जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक अग्रस्वर, नंबर सेकंड मध्यस्वर और नंबर थर्ड पश्चस्वर। अग्रस्वर दोस्तों वह स्वर होते हैं जो जीभ के अग्र हिस्से से अर्थात आगे हिस्से से बोले जाए। मध्यस्वर दोस्तों वह स्वर होता है जो जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाए और पश्चस्वर दोस्तों वह स्वर होता है जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाए। जैसे दोस्तों अग्रस्वर, जैसे अग्रस्वर दोस्तों जीभ कौन कौन से हिस्से से आगे वाली जाती है, जैसे अग्रस्वर दोस्तों ई ई ए आई। दोस्तों ये स्वर हैं जो हमारे जीव के अग्र हिस्से से काम आते हैं अर्थात दोस्तों जीव के अगले हिस्से से बोले। जैसे जी दोस्तों ये हमारी जीव है तो ये हिस्सा को दोस्तों कौन सा हो गया अग्र, और ये दोस्तों हमारे जो बीच का हो गया कौन सा हो गया दोस्तों मध्यस्वर, और जो पीछे का दोस्तों ये पीछे वाला हो गया जी कौन सा है पश्चस्वर। तो दोस्तों जी वह स्वर जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाए वो कहलाते हैं अग्रस्वर, और जो दोस्तों जीव के बीच के हिस्से से बोले जाए दोस्तों उसे कहलाते हैं मध्यस्वर। और पश्चस्वर जो दोस्तों जो रह गए वो कौन से हो गए पश्चस्वर। जैसे कौन कौन से रह गए दोस्तों, बड़ा छोटाऊ बड़ाऊ और रेर ए, दोस्तों ये तीसरी में आ गए पश्चस्वर होते हैं दोस्तों आ उ बड़ा उ और ओ और आओ। दोस्तों अगर जैसे आपको याद करना है जैसे इसे भूल जाते हैं तो इसकी ट्रिक है अग्रस्वर, तो इसकी ट्रिक बना लीजिए दोस्तों अग्रिय, कौन सी अग्रिय। तो अग्रिय से दोस्तों आगे वाले, और तो अग्रिय में दोस्तों ये छोटी की मात्रा है, वो ये क्या है दोस्तों मात्रा ही तो है, तो छोटी और बड़ी मात्रा छोटी वाली, और दोस्तों ये ए ए और आई। तो दोस्तों अग्रस्वर आपको याद हो गए आशा करता हूँ मैं, अग्रिय से जैसे जो मात्रा है दोस्तों ये वाली उल्टे साइड से गुंडी वाली वो ई की मात्रा है, तो ई ई और ए आ रही दोस्तों ए आई, तो ये अग्रस्वर हो गए दोस्तों। मध्यस्वर जैसे दोस्तों हम अगर कोई घर मम्मी गोली दे तो हम जीभ के हिस्से मतलब जीभ के बीच वाले हिस्से में रखते हैं आ, आ। और पश्चस्वर जो दोस्तों आपको दो याद हो गए तो तीसरा तो आप अपने आप याद हो जाएगा। तो दोस्तों जाना हमने जिभ्या के आधार पर स्वर अगर पूछा जाए तीन प्रकार के, नंबर एक अग्रस्वर, नंबर सेकंड मध्यस्वर और नंबर थर्ड पश्चस्वर। अग्रस्वर ई ई ए आई,
और मध्य स्वर अ और पश्च स्वर आ उ ऊ ओ आओ। तो दोस्तों जानेंगे नंबर थर्ड, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद नंबर फर्स्ट। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद या दोस्तों मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद नंबर एक। समरस स्वर नंबर सेकंड, अर्ध समरस स्वर नंबर थर्ड, बीव्रत स्वर और नंबर फोर्थ अर्ध बीव्रत स्वर, अर्ध बीव्रत स्वर। तो समरस स्वर दोस्तों कौन कौन से होते हैं जानते हैं, आइए उसके बारे में। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को अगर दोस्तों वर्गीकरण पूछा जाए तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, चार प्रकार के। नंबर एक समरस स्वर, नंबर सेकंड अर्ध समरस स्वर, नंबर थर्ड बीव्रत स्वर और नंबर फोर्थ अर्ध बीव्रत स्वर। तो दोस्तों समरस स्वर वे स्वर होते हैं दोस्तों जिन्हें बोलते समय मुंह बंद रहता है। तो दोस्तों जो मुंह होता है हमारा कैसा रहता है, बंद रहता है। जैसे ई ई और दोस्तों और उ उ ई ई उ उ, तो ये कौन से स्वर हो गए दोस्तों हमारे, समरस स्वर हो गए। अर्थात इन्हें बोलते समय क्या रहता है, हमारा मुंह बंद रहता है। दोस्तों जैसे आप मुंह बंद रखो, मुंह मतलब बिना मुंह खोले आप बोल सकते हैं इन स्वरों को ई ई उ उ। तो अर्थात दोस्तों इन बोलने इन स्वरों को बोलते समय हमारा मुंह हमें अर्थात मुंह खोलना नहीं पड़ रहा है। तो वो कौन से स्वर हो गए दोस्तों हमारे, समरस स्वर। और नंबर सेकंड दोस्तों इसकी ट्रिक बनाई, जैसे कभी कभी भूल जाते हैं तो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाई हमने सुई, क्या है दोस्तों हमारी ट्रिक सुई। तो दोस्तों समरस स्वर, मान ली समरस स्वर अर्थात कोई सामने वाला आया आपके पास सुई लेके आ गया, क्या लेके आ गया आपके पास सुई, सामने वाला दोस्तों क्या लेके आ गया आपके पास सुई, या सा से समृत और सा से सुई। तो दोस्तों इसमें ऊ की मात्रा आ रही है उ अर्थात उ उ, और दोस्तों ई की मात्रा आ रही तो ई ई, अर्थात समरस स्वर पूछा जाए तो ट्रिक है हमारी दोस्तों सुई। अर्थात दोस्तों इन्हें बोलते समय हमारा मुंह क्या रहता है, बंद रहता है। ई ई उ उ कौन से हो गए दोस्तों हमारे, समरस स्वर। और अर्ध समरस स्वर वह होते हैं दोस्तों जिन्हें बोलते समय हमारा आधा मुंह बंद रहे, आधा मुख बंद रहे, आधा मुख दोस्तों कैसा रहा है हमारा, बंद। जैसे दोस्तों फिर कोई आधी सुई लेके आ गया आपके पास, क्या हो गया आधी सुई आपके पास लेके आ गया, आधी सुई आपके पास लेके आ गया। तो दोस्तों ये स्वर होते हैं ओ और ए। तो दोस्तों अगर कोई आपके पास आधी सुई, जैसे पहले किसी ने आपकी सुई चोप दी तो आपको ट्रिक याद हो गई, ठीक है। और अगर कोई आपके आधी सुई चोप दे तो आप क्या करोगे, या आपको कोई आधी चोई चोबने के लिए कहे तो क्या कहोगे, ओए ओए अब की बार मत चोप दियो, ठीक है। तो ओए, तो अर्ध समरस स्वर से अर्थात ओ और ए। बीव्रत स्वर दोस्तों वह स्वर जिसे बोलते समय हमारा मुंह मतलब एक तरीका किस तरह कह सकते हैं, मतलब पूरा मुंह खुल जाए, जैसे भट्टे की तरह मुंह फाड़ते हैं उस तरह। अर्थात जिसे बोलते वह स्वर जिसे बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुल जाए, जैसे आ अर्थात आ। और दोस्तों जो रहे बच्चे वो कौन से हो जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पूरा मुख खुलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, विवृत स्वर में क्या होता है, मुख पूरा खुलता है। विवृत स्वर में क्या होता है दोस्तों, मुख पूरा खुलता है। दोस्तों विवृत स्वर में क्या होता है, मुख पूरा खुलता है। और अर्ध विवृत में क्या होता है दोस्तों, आधा मुख खुलता है दोस्तों, आधा मुख खुलता है, आधा मुख खुलता है। तो दोस्तों कौन कौन से रह गए,
जो रहे बचे वो कौन से हो गए? अर्धविवृत। जैसे कौन कौन से हो गए दोस्तों? ए और रिर, अर्धविवृत स्वर दोस्तों जिसमें आधा मुख बंद रहे, जैसे अ रिर, और दोस्तों आई हो जाएगा एक, और दोस्तों और कौन सा हो गया? आओ। तो दोस्तों अगर मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्ग किया जाए तो चार प्रकार के, नंबर एक समवृत स्वर, वे स्वर होते हैं दोस्तों जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह लगभग बंद सा रहता है, कहने का मतलब। तो इसकी ट्रिक बताई हुई थी मैंने, बता दी आपके लिए, सुई उ उ, उ और दोस्तों ए ए, और अर्ध समवृत स्वर जिसमें दोस्तों आधा मुख बंद रहे। तो दोस्तों आपके पास कोई अगर सुई लेके आ जाए, आधी सुई लेके आ जाए और चुभने को था, तो आप क्या कहोगे? ओए, ओए से ट्रिक याद रखेगा, ठीक है। बी वृत स्वर दोस्तों जिससे जिस वह स्वर जिसे बोलते समय मुख पूरा खुल जाए, अ अ, और अर्धविवृत स्वर जैसे बोलते समय दोस्तों आधा मुख बंद रहता है, जैसे अ रेर आई और आओ। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों फोर्थ है हमारा उष्टाकृति के आधार पर स्वरों के वेद, उष्टाकृति के आधार पर स्वरों के वेद। दोस्तों उष्टाकृति के आधार पर स्वरों के वेद, तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, नंबर एक वृत्ताकार, अर्थात दोस्तों इसे कह सकते हैं गोलाकार, नंबर सेकंड ए वृत्ताकार अर्थात ए गोलाकार। वृत्ताकार अगर ऊँटों के आधार पर स्वरों का भेद पूछे दो प्रकार के, तो नंबर एक वृत्ताकार, नंबर सेकंड ए वृत्ताकार। वृत्ताकार दोस्तों अर्थात गोलाकार, अर्थात ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह क्या हो जाए, हमारे होठ क्या हो जाएं, ओठ गोल गोल हो जाए। जैसे दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? ऊ ऊ, और दोस्तों और कौन सा हो जाएगा? ओ उ, ओ, और दोस्तों नेक्स्ट लिखा जाए ओ और आओ। दोस्तों आप देख रहे हैं वृत्ताकार, इन्हें बोलते समय हमारा ओठ कैसे हो रहे हैं हमारे ओठ हो रहे हैं गोल गोल, उ उ ओ आओ, अर्थात हमारे ओठ कैसे हो रहे हैं? गोलाकार। अगर एग्जाम में पूछा का है इनमें से कौन सा वृत्ताकार है, इनमें से कौन सा स्वर वृत्ताकार है, तो आप बता दोगे प्रैक्टिकल करके। और अवृत्ताकार जो रहे बच्चे दोस्तों, जैसे आ ई ई और रिर ए और ए, दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर फिफ्थ वायु या नाक के आधार पर स्वरों के भेद, नंबर फर्स्ट अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, नंबर सेकंड निर्नुनासिक स्वर, नंबर थर्ड अनुस्वर। अनुनासिक का अनु का मतलब होता है दोस्तों सात, सात अर्थात जो वायु है वो नाक प्लस मुख दोनों से निकलती है, नाक प्लस मुख दोनों से निकलती है। अनुनासक में जो वायु निकलती है जिनका उच्चन स्थान होता है नाक और मुख दोनों से निकलती है दोस्तों, वे कौन से होते हैं? उसमें दोस्तों चंद्रबिंदु होता है, कौन सा? चंद्रबिंदु, जैसे चांद, चांद बोलो दोस्तों इसमें वायु निकल रही है, किसने? नाक और मुख दोनों से निकल रही, चांद मांद, अर्थात दोस्तों जो चंद्रबिंदु होता है वो
उसका यूज किस में होता है, अनुनासिक स्वर में। और निर्नुनासिक स्वर दोस्तों वह स्वर होता है जिसका उच्चारण स्थान केवल मुख से हो, केवल जिस जो वायु निकले केवल किससे निकले, केवल मुख से दोस्तों। जो निर्नुनासिक में जो उच्चारण स्थान होता है केवल मुख से निकले वायु, जैसे दोस्तों आ ई आई ए आदि। और नंबर दोस्तों थर्ड होता है अनुस्वर, इसका प्रयोग दोस्तों जो वायु है वो केवल किसके मुख से निकले, वायु है केवल नाक के मध्य से निकले दोस्तों। जैसे आप किसी का नाम बोले केवल केवल वायु नाक के मध्य से निकले, जैसे अंकुर अंकुर। तो दोस्तों जो विसर्ग जो अनुस्वर है वो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, केवल नाक से। तो दोस्तों जो वर्णमाला होती है उसमें टोटल अगर अल्फाबेट की बात की जाए, वर्णमाला में अगर दोस्तों बात की जाए अल्फाबेट की, तो टोटल जो अल्फाबेट होते हैं दोस्तों हमारे 52 होते हैं दोस्तों, 11 स्वर होते हैं प्लस 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों, प्लस 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, प्लस 2 अयोग्यवा होते हैं दोस्तों अयोग्यवा, प्लस 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, तो इनकी स्वर्ण संख्या देखी जाए दोस्तों कितनी हो जाती है, टोटल 52 हो जाती है। तो वर्णमाला में पूछ लेता है जो वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या होती है टोटल कितनी होती है, 52 होती है, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, 2 अयोग्यवा होते हैं दोस्तों, अयोग्यवा बताई थी मैंने आपके लिए, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं वो दोस्तों डा और ढा होते हैं। तो दोस्तों आज जाना अपने वर्णमाला के बारे में, बात वर्णमाला के बारे में कल इससे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।